अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, और दुआ है कि आप लोग सेहतमंद रहें और खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, सबसे पहले आपसे जो मैं बात कहूँगी वो यही कहूँगी कि प्लीज़ आपने ये सब देख के घबराना नहीं है, ठीक है? और आपने ये भी नहीं सोचना कि मैं जो हूँ ये घर छोड़ के जा रही हूँ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ शेयर किया था कि सरप्राइज़ है आप सबके लिए, सरप्राइज़ है, तो ये आप सबके लिए सरप्राइज़ है। जी हाँ, घर के अंदर हर तरफ सामान ही सामान और हर तरफ बैग ही बैग आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ना तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ना ही हम ये एरिया छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि हम जहाँ जा रहे हैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अभी चल रही है हमारी पैकिंग। बहुत सारे लोग जो हैं वो देख के समझ जाएंगे कि किस चीज़ की पैकिंग चल रही है, क्या चल रही है। तो ये हैं उमर लोगों के यहाँ पे टॉयज, ये हैं उमर लोग यहाँ पे खेल रहे हैं पिलोज से, और यहाँ पे जो है ये हमारे बैग्स रेडी हो रहे हैं, हैंड कैरी रेडी हो रहे हैं, और ये कपड़े उमर और जरताशा के भी मैं कर रही थी सेट, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। शाम के बज रहे हैं 6, हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस, और उमर की जैसे कि आपको पता है कि अब छुट्टियाँ हो चुकी हैं, पेपर्स वगैरह सब हो चुके हैं, और जो सबसे बड़ी कुर्बानी मैंने जाने के लिए दी है वो दी है मैंने उमर का एनुअल डे फंक्शन जो है उस वो मैं अटेंड नहीं कर रही, बल्कि उससे पहले पहले मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह उमर का एनुअल डे होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये है पैकिंग तकरीबन गिफ्ट्स वगैरह की और खाने पीने की चीज़ों की, ये मैंने कुछ रेडी कर दिए हैं, कुछ शॉपर्स में रखी हैं, और ये जो है ये हमारे होंगे कपड़े। तो हम तकरीबन जा रहे हैं 1 मंथ के लिए। आप सब के लिए सरप्राइज़ था और वो सरप्राइज़ अब ख़त्म हो रहा है। जी हाँ, हम जा रहे हैं बकरा ईद करने के लिए, ईद उल अज़हा अपनी फैमिली के साथ मनाने के लिए पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी हाँ, हम जा रहे हैं पाकिस्तान और बहुत एक्साइटेड हैं जरताशा और उमर, और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारा डिसाइड हुआ है कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, दिस एंड डैट। तो वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपके साथ बातें क्लियर करती रहूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपके सिर्फ ये बताने के लिए ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था कि हमारी स्टार्ट हो रही है पैकिंग और हम जा रहे हैं पाकिस्तान ईद करने के लिए अपने इन लॉज और मैं मतलब नानी के घर उमर और जरताशा के, और दादी अम्मी के घर जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टे करेंगे दादी के घर, और ये टोटली सरप्राइज़ होगा उन लोगों के लिए, सरप्राइज़ ट्रैवल व्लॉग है हमारे लिए, क्यों उनके लिए, क्योंकि हमने किसी को भी नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। हमने 200% श्योर किया है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे बकरा ईद करने, क्योंकि माशाल्लाह से हम हर साल पाकिस्तान जाते हैं। अभी लास्ट 2 ईयर से हम नहीं गए, तो 2 साल बाद हम जा रहे हैं पाकिस्तान, और बहुत खुश हैं उमर और जरताशा और मैं भी, और अम्मी से मिलने के लिए अपनी, अपने इन लॉज, अपने मैके से मिलने के लिए, ससुराल वालों से मिलने के लिए। तो बस बातें बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और जब हम लोग, जब तक ये आपको वीडियो मिलेगी तब तक मैं पाकिस्तान पहुँच चुकी होंगी, जा चुकी होंगी। वीडियो आपको देर से मिलेगी और मैं पाकिस्तान जा चुकी होंगी। तो बस इस वीडियो से मेरा ट्रैवल व्लॉग जो है वो शुरू होते हैं, ट्रैवल वीडियोस और दुबई UAE टू पाकिस्तान। तो कराची में हम लोग लैंड करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ी गर्मियाँ भी होंगे, बच्चे बीमार भी होंगे, लेकिन खैर ये मौके बार बार नहीं मिलते। तो 2 साल पहले हम गए थे पाकिस्तान, और शायद मेरे ख्याल से कोविड के बाद हम 3 साल बाद गए थे। तो जो 2 साल पहले गए थे तो वो हम कोविड के बाद गए थे, और अब हम 2 साल बाद जा रहे हैं पाकिस्तान। लास्ट ईयर हम लोग नहीं जा पाए थे। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा इस ट्रैवल व्लॉग में इंशाल्लाह। तो अभी मैं जो जाना है शॉपिंग करने के लिए, और अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम पासपोर्ट ऑफिस गए थे, हम आईडी कार्ड बनाने के लिए गए थे,
और कुछ शॉपिंग्स के लिए जा रहे थे इधर उधर, तो वो जी हाँ उसी सिलसिले में ही हम जा रहे थे ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट कर लें और कुछ चीज़ें ले लें। तो उस वक्त टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब माशाल्लाह टिकट कंफर्म हो चुका है और इसीलिए मैं जो हूँ अब फाइनली जो है वो जो मेरी चीज़ें रह गई हैं शॉपिंग की तो वो लेने के लिए अब जाऊँगी लूलू मैक्स गिफ्ट मार्केट कारफोर, काफ़ी जगह मुझे जाना है और अबाया भी लेना है, अबाया के लिए भी जाना है। तो इंशाल्लाह वो उन सब जगहों पे आप लोगों को साथ लेके चलूंगी और बताऊंगी कि यहाँ अबाया जो है होते हैं उनकी क्या प्राइस हैं, किस तरह के डिज़ाइन हैं, क्या चल रहा है। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये अबायास भी धोए हैं। लास्ट टाइम गई थी तो मैंने ये अबाया जो है वो बाय किया था, मैं आपको इसका डिज़ाइन वगैरह दिखाती हूँ। जी ये है इसकी बैक, ठीक है, और ये है इसकी स्लीव्स और ये हैं इसकी साइड्स। तो उस टाइम पे जो है ये साइड्स पे जो है चल रहे थे स्टोन कढ़ाई टाइप का, तो ये मैंने बनवाया था और फ्रंट से ये क्लोज है, ये है इसका फ्रंट, ठीक है, और ये इसकी साइड्स पे जो हैं ये लगी हुई थी मोतियाँ, ठीक है। आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी करवाएं, चाहे तो आप ये मोतियाँ लगवा लें। उसके बाद जो है इसके साथ साथ मैंने सेल से जो है एक अबाया भी उठाया था प्लेन, उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये वाला बुरका जो था ये मैंने, ये जूम कपड़ा कहलाता है, एक नादा कपड़ा होता है ना, तो ये होता है जूम कपड़ा। तो उस टाइम पे जो 2 साल पहले ये जूम कपड़ा चल रहा था, मुझे चाहिए था नादा कपड़े में लेकिन वो मिला नहीं था, तो जूम था हर जगह पर, तो मैंने इसमें बनवा लिया था। अच्छा ये जो अबाया है ये इस तरह की लाइंस में है, आप देख रहे होंगे शाइनिंग लाइंस हैं इसकी पूरी। तो ये मुझे मिला था 30 धरम में, जी हाँ ये मुझे मिला था 30 धरम में, 54 जो है उसका साइज है। और ये है इसकी स्लीव्स, बिल्कुल प्लेन है इसकी स्लीव्स और ये है इसका डिज़ाइन, बिल्कुल प्लेन है और शाइनिंग इसकी लाइंस है, ये जो है ना चौड़ी चौड़ी सी ये शाइनिंग लाइंस है, बस डेट्स इट। तो मैंने ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था, तो शायद मैं ये लूँ या एक और ले लूँ, तो देखते हैं। और जरताशा और उमर की फूफो ने भी जो है अबाया मंगाया था, उस टाइम पे बिल्कुल टाइम कम था जब वो जा रही थी पाकिस्तान, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो बाकी सब चीज़ें तो हो चुकी थी लेकिन उनका अबाया रह गया था। तो इंशाल्लाह उनके लिए वो अबाया भी लेने के लिए जाना है मुझे, उन्होंने कहा था भाभी आप लोगों का अगर आना हो या कोई आए जाए तो मुझे एक प्लेन अबाया, बिल्कुल प्लेन अबाया थोड़ा सा घेर के साथ जो है वो मुझे चाहिए, तो इंशाल्लाह वो लेने के लिए जाना है। तो अभी जो है काम बहुत ज़्यादा हैं और टाइम बहुत कम है, टाइम कम है मुकाबला सख्त है। तो इस वीडियो को बस मैं लूलू जाने तक कंटिन्यू रखूँगी, फिर इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी शॉपिंग के हवाले से। तो देखते रहिएगा मेरी ट्रैवल व्लॉग की जो शॉपिंग है उसकी, इससे पहले जो प्रिपरेशन है ट्रैवल व्लॉग की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान ईद करने के लिए, ईद करने के लिए, और ये बच्चों ने पूरा, एक तो खुद भी खेल रहे हैं, उमर स्कूल नहीं जा रहे अब, तो पूरा घर उन्होंने बिखरा हुआ है। कभी आपने घर जो है ये देखा होगा आपने, बिल्कुल साफ, और कभी कभी घर ऐसा भी हो जाता है कि आपसे सिमटने में नहीं आ रहा होता। मैं कभी एक चीज़ लेने के लिए जा रही हूँ पैक करने के लिए, सोच रही हूँ अच्छा ये रखती हूँ, फिर मैं जाती हूँ दूसरी जगह पर। तो खैर, तो बस अब मैं ये थोड़े से कपड़े सेट करने के बाद जा रही हूँ लूलू, तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें मुझे लेनी हैं तो वो लेके फिर इंशाल्लाह घर वापस आती हूँ। जी तो निकलते निकलते 7 बज चुके थे, तो बस मैं जल्दी से लूलू गई, वहाँ से बच्चों के खाने पीने की चीज़ें मुझे लेनी थी, उठानी थी, वो मैंने उठाई, तो रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ दिखाती आपको कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। बस इसके बाद उमर और ताशा के बाबा ने कहा कि मैं ऑफिस से आऊँगा तो फिर हम निकलेंगे गिफ्ट मार्केट और मैक्स जाएंगे और कारफोर जाएंगे, तो 2-3 जगह हमें जाना था। तो शायद 8 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब उमर के बाबा जो हैं वो हमें लेकर जाएँ, तो उससे पहले पहले मुझे लूलू से होके आना था। इस वीडियो को करती हूँ मैं यहाँ पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।